हरियाणा के कुछ जिलों में आई हुई तूफान, बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों के सब्जियों व अमरूद के बाग का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि हिसार में भी किसानों को नुकसान हुआ है। हिसार के किसानों की मांग है कि नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए। बता दें कि हिसार में किसानों को घिया व अन्य फसलों का नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के चेहरे लाल पड़ गए हैं। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन से भी उन्हें काफी नुकसान हुआ है, अब मौसम की मार भी उन्हें झेलनी पड़ रही है, इसलिए सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि नरमा की बिजाई करते समय बदलते मौसम का ध्यान अवश्य रखें। कड़ाई के उपरांत तड़ी ध्वजा को सुरक्षित स्थान पर रखें। फसल उत्पाद को बेचने के लिए मंडी ले जाते समय तिरपाल आदि का प्रबंध करें। फसल कटाई के बाद गेहूं के अवशेषों को ना जलाएं ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। रीपर से भूसा बनाएं या अन्य मशीनों से अवशेषों को भूमि में दबाएं तथा उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, जिससे अगली फसल से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके। हनुमान वर्मा व मोहिंदर खोबड़ा ने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर M.L. खीचड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार में 17 मई को बादल व पश्चिमी व दक्षिणी हरियाणा में कहीं कहीं हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। 18 मई से मौसम आमतौर पर खुश्क गर्म तथा तापमान में बढ़ोतरी संभावित है। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। आज जिला हिसार में ओलावृष्टि हुई है, उसके साथ तूफान आया है, पूरे ज़िले में सभी फसलें नष्ट हो गई है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि पहले तो किसानों को इस लॉकडाउन ने मार दिया, कोरोना ने मार दिया और अब इस तूफान ने मार दिया। मैं अभी गाँव आर्यनगर में खड़ा हूँ, मैंने देखा है यहाँ पर अमरूदों के बाग हैं, वो सारे पेड़ उखड़े हुए हैं। यहाँ पर नरमे की फसल है, वो सारी उखड़ी हुई, सब्जियाँ लगाते हैं लोग, वहाँ भी कुछ नहीं है। अतः पुनः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसकी स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को उचित मुआवजा देने का काम करें, क्योंकि किसान अब मरने की कगार पे हैं, पहले लॉकडाउन के कारण और अब इस ओलावृष्टि और तूफान के कारण। पुनः सरकार से अनुरोध कि वो जल्द से जल्द इसकी स्पेशल गिरदावरी करके उचित मुआवजा किसानों को देने का काम करें। धन्यवाद। आज हिसार में और आसपास के इलाकों में हरियाणा में जो बरसात हुई है और ओलावृष्टि हुई है, इससे किसानों को और आम जो कृषि करने वाले लोगों को या बागवानी करने वाले लोगों को, उनको भारी नुकसान हुआ है। किसान तो पहले ही त्रस्त है, क्योंकि जो आजकल सरकार ने उनकी फसल जो ली है उसके भी दाम सरकार समय पर नहीं दे रही है, और सरकार न देने के कारण किसानों की आगे की बुआई भी बड़ी इफेक्टेड हुई है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सरकार को किसानों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसान इस समय बहुत त्रस्त है। किसान की ली हुई फसल का दाम है, उसे समय पर मिलना चाहिए, और जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है और बुआई के समय जो किसानों की परिस्थिति है उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए सरकार को उनका मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसान सुदृढ़ हो। इस देश का किसान जब तक सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक इस देश की व्यवस्था है कि किसी प्रधान देश के अंदर किसान को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इस देश का किसान और इस देश का जवान जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक इस देश की स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है, अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो अभी पैकेज दिया है, उससे बिल्कुल राहत मिलने वाली है। लेकिन उस राहत का मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान की तरफ ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए, कि किसान की ज़्यादा उसके अंदर जो उसकी लागत और उसका मूल्य है, उसका पूरा मूल्यांकन करके ही उसका रेट दिया जाए इस फसल का, ताकि वो आगे सर्वाइव कर सके और आगे इस देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। और मेरा ये निवेदन है सरकार से कि सरकार किसानों की तरफ विशेष ध्यान दे, और किसान का जो भी नुकसान होता है उसकी तुरंत भरपाई की जाए, और
मैं कहता हूं कि जो उनसे फसल गेहूं हो, सरसों हो, उसका एक एक दाना सरकार ने जो वायदा किया है उस वायदे के मुताबिक सरकार को लेकर ले लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए और उनका जो पैसा है समय पर दिया जाए ताकि उनकी रोटी रोजगार का और फसल का आगे का सिस्टम सरकार का और उस किसान का पूरा हो सके, ये मेरी सरकार से निवेदन है। नहीं, अभी ये जो पश्चिम विक्षोभ पास कर रहे हैं इसके कारण ये जो अभी पिछले 2-3 दिनों में लगातार बारिश आ रही थी, 10 तारीख को भी आई थी, 11 को और 13 मई को जो बारिश हुई, तो 14 मई को भी जो मैं लेट आवर्स में बारिश हुई है, ये एक पश्चिम विक्षोभ जो हरियाणा और राजस्थान के आस पास एक सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ था उसमें एक ट्रफ रेखा बन गई थी जिसके कारण एक पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण ये बारिश हुई है। परंतु ये पश्चिम विक्षोभ अभी पास कर रहे हैं और अगले 1-2 दिन में हल्के बादल रहेंगे, परंतु उसके बाद में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। 17 तारीख को भी थोड़े बादलवाई रहेगी और इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, परंतु ज़्यादातर स्थानों पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी जैसे 1-2 दिन में मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा तो वो नरमा कपास की बिजाई 17 के बाद में कर सकते हैं और अभी जो नमी है उसको संचित कर लें और बिजाई शुरू करें नरमा कपास की जो बची हुई बिजाई है, और मंडियों में अभी जो घर में गेहूँ या वो है उनको सुखा लें क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ में ज़्यादातर बारिश क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं जो होते तो लोअर क्लाउड है परंतु ये बहुत ज़्यादा हाइट में होते हैं जिसके कारण इसमें ओले बन जाते हैं, तो जो पानी वाष्प होता है उसको मतलब संघटन होता है तो उससे कंडेंसेशन होने के कारण ये सिस्टम बनता है, परंतु इसमें गरज चमक और तेज हवाएँ चली है और कहीं कहीं ओले वृष्टि भी हुई है, परंतु यह जो फसल क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है इन पश्चिम विक्षोभों के चलते लोगों के अपने जो हरियाणा में है ज़्यादातर अभी नरमा की बिजाई चल रही है तो नरमा की बिजाई रुक गई है और जो नरमा खड़ा है और जहाँ ओलावृष्टि नहीं है उसमें फ़ायदा भी हुआ है कि पानी उसमें पहुँचेगा, परंतु जहाँ ओलावृष्टि हुई वहाँ नरमा को कुछ नुकसान या सब्जियों को नुकसान हो सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.